और बाकी ऐसे तो रहते ही हैं लोग, मेरे माँ बीमार है तो माँ को ठीक किया, मेरा बाप बीमार है उसको ठीक किया, बाप के बाप को ठीक करो बाप ठीक हो गया, फिर मेरी बेटी बीमार है उसको ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो। अब आपने कह दिया भाई अब बहुत हो गया, हम नहीं रोना शुरू कर देंगे, इतने ज़ोर ज़ोर से रोएंगे, अरे भाई क्या हो गया, अब सबको ठीक किया आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो, अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो, तुम ही ठीक हो जाओ। शुरू में यही होगा, आप देख लीजिएगा कि सामाजिकता ये हो जाएगा कि दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक करने का। मैं तो लायन क्लब वालों को भी यही कहूंगी, पहले आप लोग जम के सहयोगी हो जाए, नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा। जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर हाथ चलाइए, और जरूरत नहीं आप फोटो दे दीजिए ना, फोटो सब काम कर लेते, उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएंगे, फोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे, हमारे सर पे हाथ रखो, अभी भी देखिए आप मैं जहाँ जाती हूँ, माँ मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी यहाँ तकलीफ यहाँ हाथ रखो, हाथ खींच के रखेंगे, माने मेरा यहाँ रखिए, अच्छा भाई लो रख देते क्या करें जान छोड़ो। सो ऐसी ज़बरदस्ती आप पे भी होगी, इस ज़बरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फ़ोटो दीजिए, फ़ोटो पे काम करें, फ़ोटो है फ़ोटो पे काम करें, जिसको फ़ोटो नहीं माननी होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता, भाई तू फ़ोटो ले जाओ फ़ोटो पे काम करो, अगर ठीक हो गए तो हम देखेंगे, आप देख लीजिएगा को आदमी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया, जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा जोश चढ़ गया उनको, अब माँ का काम करना है, और कुछ उनको अनुभव भी ऐसे आए, उन दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो गए थे तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था ज़्यादा, और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है अब पेट्रोल नहीं मिल सकता, उनका इतने पेट्रोल पे हम काम करें, वो कहते हैं कि एक महीना भर उसी पेट्रोल पे चलते रहे, और जब हम पेट्रोल पंप पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए तो पेट्रोल भरा पड़ा है पूरा, तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा इंकरेजमेंट दिया और हम ये काम करें, लेकिन वहाँ गलती कर गए, लोगों को जागृति देने के जगह वो लोगों को ठीक कर देते, ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे, ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे तो बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, हार्ट अटैक से आता है, पता नहीं पैल्पिटेशन हो रहा है, तो मैंने कहा वहाँ क्या धंधे कर रहे हो तुम, पहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा हूँ, मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो, यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी ये कहते हैं कि माँ हमें शांति दो, तो इनको पहलवान बना से फ़ायदा क्या हो, फिर तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले देते, उनकी जागृति करो ठीक क्यों कर रहे हो तुम। तब उनकी समझ में बात आई कि हम ये गलत कर गए, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ठीक ठाक करना बंद, सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोपमान हो गई, पता ही नहीं चला वो भीड़ कौन थी कहाँ से आई, जैसे कोई भूत गायब हो जाए इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो गए।